उदाहरण 20, समीकरण 15x ऋण 3y बराबर 14 एवं 60x ऋण 12y बराबर 56 का हल ज्ञात कीजिए। हल, समीकरण 15x ऋण 3y बराबर 14 में, कहीं हम इसको a1x धन b1y बराबर c1 से तुलना करेंगे, तो इसमें a1 का मान 15 होगा, उसी तरह से b1 बराबर ऋण 3 होगा और c1 का मान जो है यहाँ पे 14। दूसरा एवं हमारा जो दूसरा समीकरण है वो 60x ऋण 12y बराबर 56 में, फिर इसको हम a2x धन b2y बराबर c2 से तुलना करेंगे, तो a2 का मान 60 है यहाँ, उसी तरह से b2 का मान ऋण 12 और c2 का मान यहाँ पे 56। यहाँ a1 बटा a2 के लिए हम a1 15 है और a2 60 है, तो 15/60। 15/60 का सरलतम रूप जो होगा 1/4 मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं 15 एकम 15, 15 चौक 60, तो 15/60 का सरलतम रूप 1/4 हो गया। उसी तरह से हम b1/b2 का मान निकालेंगे, b1 है हमारे पास ऋण 3 बटा b2 ऋण 12। सबसे पहले अंश और हर में ऋण 1 का गुणा करेंगे, अंश और हर दोनों में ऋण 1 का गुणा करेंगे, तो ऋण 3 गुणा ऋण 1 ये 3 हो जाएगा, 3/12। ऋण 1 से अंश और हर में गुणा करने पर हमें प्राप्त हुआ 3/12 और इसका सरलतम रूप जो होगा वो 1/4 होगा, यहाँ 3 एकम 3 और 3 चौक 12 हो गया। तो a1 और a2 का मान 1/4 और b1 और b2, b1/b2 का जो मान है 1/4 हमें प्राप्त हुआ। उसी तरह से हम c1/c2 को भी ज्ञात करेंगे, तो c1/c2 के लिए c1 है हमारे पास 14 और c2 है 56, तो ये हो जाएगा 14/56 और इसका सरलतम रूप जब हम लिखेंगे, तो क्योंकि हम जानते हैं कि 14 के पहाड़े में 56 जो है 14 चौक 56 होता है, 14 गुणा 4 56 होता है, तो ये 1/4 फिर से पुनः हमको 1/4 प्राप्त होता है। स्पष्टतः यहाँ पे a1/a2 का मान बराबर है b1/b2 के मान से और ये भी बराबर है c1/c2, क्योंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर 1/4 है, इसीलिए समीकरण 안타 अनेक हल है। तो हमने जाना कि हमने ज्ञात किया दिए गए समीकरण निकाय में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 जिसका मान 1/4 आ रहा है, इसीलिए समीकरण के अनंततः अनेक हल है, यह इस उदाहरण का हल है। करके देखें।
इस तालिका को पूरा कीजिए।